बुलावा किया है। मेरे को दाल मखनी खानी है। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। मैं आज घर पे हूँ, दुकान नहीं गया आज। क्या मैं कोई काफी टाइम से दुकान नहीं गया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी है खराब। हाथ पे देख सकते हो आप कैमरा लगा हुआ है। और एक स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ आपको, इसमें बीट रूट है और नीचे की साइड खीरा है। और ये जो चीज़ है ये बड़ी स्पेशल चीज़ है, उबला हुआ घिया है, चने हैं और ये हमारी छाछ है। तो गाइस आप देख सकते हो मैं कैसा खाना खा रहा हूँ। मैं इस फूड को खा रहा हूँ और मैं लगभग ये फूड खाते हुए 5-7 दिन हो चुके हैं। और 5-7 दिन में मैंने मेरा जो वेट है कोई 4 किलो मैंने लॉस कर लिया है। 10 दिन हो गए इसको लगे हुए, 10 दिन। पूछोगे भाई आपको क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, जो मतलब जिस इन्फेक्शन के अंदर मतलब बार बार बुखार आता है और आपकी जो बॉडी है वो मतलब कि एकदम लूज पड़ जाती है, एकदम थकावट जैसा फीलिंग आती है। सो गाइस आज तो मेरे से ये खाना नहीं खाया जाएगा बिल्कुल भी। तो क्यों नहीं खाया जाएगा, क्योंकि आज घर पे बनी है दाल मखनी। और भाई आज तो बनेगा, आज चाहे तबीयत वापस बिगड़ जाए लेकिन मैं नहीं खा सकता। मेरे को चाहिए वही मसाले वाले दाल मखनी और गर्मा गर्म चपाती और साथ में छाछ का गिलास, वो मज़ा आ जाए मतलब कि, तो ही मज़ा आता है। देखो मौसम भी क्या सुहाना हो रहा है। फाइनली दाल मखनी और साथ में पनीर की सब्जी और ये मोनिका जी हैं। अरे मेरे को दाल मखनी खानी है यार, पनीर खानी है। ये लौकी चना ये क्या बना दिया, सब्जी है लौकी चने की। एक छाछ ना आपको पूरा पीना है, एक ग्लास रखा हुआ है। एक क्या छाछ, तो हम दो पी जाएंगे। क्यों दोस्तों छाछ, एक से तो छाछ से कुछ होता भी नहीं है, एक से नहीं दो होनी चाहिए कम से कम। तो ये बाहर पड़ा है, यहाँ लग चुका है दाल मखनी चपाती छाछ। वो वाला मैं नहीं खा सकता इसलिए मैंने साइड में कर दिया। पनीर की सब्जी और दाल मखनी और साथ में हो नान। क्यों नान अभी तो नहीं लेंगे आप? क्यों आपकी तबीयत ठीक नहीं? एक दिन शाम को जाऊंगा बाहर और सब खा के आऊंगा। ओ गरम चपाती आ गई गाइस, गरम गरम चपाती साथ में पनीर की सब्जी और साथ में छाछ हो और साथ में इसका मुंह हो। अब चलते हैं ऋषभ की गर्मा गर्म रोटी लेने के लिए जो रखी थी फोल्ड करके। ये लीजिए आपकी चपाती, आराम से पियो आराम से। क्या चीज बिल्कुल लबालब रखा है, आप खुद लबालब हो, वो नहीं दिख रहा आपको? ये दिख रही है, ये सैलेड है ऋषभ का। ऋषभ खा रहे हैं मस्त दाल मखनी रोटी क्योंकि मम्मी तो अंदर चली गई, बोलने वाला कोई है नहीं। आज रात को गोलगप्पे भी खा के आऊंगा शाम को, पक्की बात है। चलो फिर हम भी चलेंगे साथ आपको में। नहीं आपको क्यों नहीं, मना कर दोगे मेरे को खाने तो दोगे नहीं? क्यों खा लेना आराम से। अच्छा हाँ, ये ब्लॉग चल रहा है इसलिए बोल रहे हैं सब। अगर मम्मी और ये सैलेड मैं खा रही हूँ, ऋषभ नहीं खा रहे, मैं खा रही हूँ। घास फूस कोई खाने की चीज होती है? 5 दिन से घास फूस दे रहे हैं मेरे को, 5 दिन से सुबह शाम रात, ज्यादा दिन हो गए शायद। सो गाइस मेरा क्या वेट होगा अभी जल्दी से कमेंट करके बताओ। और पक्की बात है जिसने भी सही बता दिया ना कि मेरा ये वेट है, मैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर बता दूंगा कि मेरा क्या वेट है। तो इस वीडियो के जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाओ और कमेंट करो मेरा जो वेट आपको लगता है वो कुछ भी हो सकता है, 70, 75, 80, 85, 90, कुछ भी जो आपको लगता है वो कमेंट कर दो। जिसने सही जवाब दिया उसके लिए एक बहुत खास चीज़ है, क्या चीज़ है वो नेक्स्ट व्लॉग के अंदर बताऊंगा।
इतनी देर से इसी रील को एडिट कर रही है, कोई एक घंटा हो गया तेरे को यहाँ बैठे बैठे खुद की रील ऐसे एडिट कर रही है, वो मतलब खुद की रील ही देखी जा रही है बस, और कोई काम एडिटिंग ऐसी है क्या करते हो? फोकस का काम है। मुझे एडिटिंग सिखा रही है जिसने रोज व्लॉग पटके हैं। इसके पिटने के दिन आ रहे हैं, तो मैं बीमार हूँ थोड़ा, दर्द हो जाता है यार, बीमार हूँ थोड़ा। क्या हालत हो गई यार, कितने बड़े बड़े बाल हो गए, कटवाएं इनको भी कटवाएंगे। सो गाइस मैं सो गया था, मेरे को बहुत तेज़ नींद आ गई, पता नहीं मेरे को कम नींद आई, और मैं जस्ट अभी उठा तो मैंने टाइम देखा कि मेरे को इंजेक्शन लगवाने जाना और डॉक्टर को भी दिखाना है, तो फाइनली मैं अभी जा रहा हूँ हॉस्पिटल क्योंकि मेरे को डॉक्टर को दिखाना है। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Finally, injection लगवा के और मैं आ चुका हूँ, मेरी जो रिपोर्ट है वो सही है। तो ये जो हाथ में हमारे कैनूला लग रहा है, इसको तो हम ही हटा देंगे, लेकिन कल हटाने के लिए कहा है, कल एक बार मॉर्निंग में हॉस्पिटल जाना है और उसके बाद हम इसको हटा देंगे। तो और मैं फाइनली नहा धो के आ चुका हूँ, कराऊँ तो मम्मी बीपी चेक करा रही है, कितना आ रहा है नीतिका मम्मी के। और यहाँ ये देखो, आप क्या कर रहे हो? चिया सीड साफ कर दी। ये क्या होता है? ये कौन सा कुछ है? ये होता है, इसको आप रात को एक गिलास पानी के अंदर भिगो के सीधा बोल क्या होता है ये, एक गिलास चार गिलास इसको आप उठते ही आप इसको पिएंगे तो आपको वेट लूज होने पे कितना है नितिका, कितना है बीपी? सहायता मिलेगी 79 and 118, मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल है। 118 और 79। ये घर की डॉक्टर है लेकिन करती कुछ भी नहीं है, डॉक्टर वाला काम नहीं है इसका कुछ भी। सुबह हट जाएगा मेरा, शाम को हम जाएंगे पिक्चर। क्यों मम्मी पिक्चर जाओगे शाम को? कौन सी पिक्चर? ये सब पिक्चर देखे हैं अब, हम बचे हैं केवल तीन, हम तीन जाएंगे कल, अभी कर रहा हूँ मैं टीवी। ये सिस्टम यहीं पे ये खाने पीने का कुछ भी खा लेना, हम खा लेते हैं, जो मिले वो खा लेते हैं। निकुन ने बोला आज क्या मंगाया, और बात सुनो पहले यार, फिर बात सुनो, बोला आज क्या मंगाया, फिर स्विगी से, स्विगी की बात चल रही थी। तो पूनम ने बोला मैंने आपसे पूछ के तो बनाया है खाना, तो मैंने बोला ये तो समस्या है इधर, क्योंकि मैं इनसे अब इसका मैं क्या मतलब समझूं, सही बोल रहा है वो, अब इसका मैं क्या मतलब समझूं। तो गाइस ये ब्लॉग मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, खाने पीने की चर्चा चलती रहती है, खाने पीने की चर्चा चल रही है, अब पता नहीं दलिया मिलेगा या की सब्जी मिलेगी या फिर गोलगप्पे मिलेंगे या बर्गर मिलेगा, वो हम देख लेंगे स्विगी से रात में मंगा लेंगे। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय टाटा।